उच्च न्यायालय के निर्देश पर बुधवार को घंटाघर स्थित राजकीय महिला शरणालय का जिला जज तेज प्रताप तिवारी और जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला जज और जिलाधिकारी ने जेल में बंद महिलाओं की अवस्थाओं को देखा और जायजा लिया, जिसके संबंध में जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेष निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें घंटाघर में स्थित राज्य महिला शरणालय से काफी शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे भी किसी प्रकार की शिकायत मिली तो कार्रवाई के लिए पत्र लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय से कुछ विशेष आदेश मिले हैं, जांच करने के बाद जांच की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को देना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश एवं राजकीय महिला शरणालय की अधीक्षिका रेशमा श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा, दवाई मिलता है कहाँ की है? मत में देना पड़ता है। ठीक है ठीक है, देखो इसको अभी। हाँ, इसके घर सर, इसके फादर को फोन किए, ये फोन नंबर पड़ोसी का बताई सर, उसको फोन किए तो इसके घर वाले का उसको हड़का है कि डीएम सर का ऑर्डर है, आपको ले जाना पड़ेगा, बच्ची आपकी है तो हाँ आ जाएंगे कल आएंगे, यही नहीं नहीं अभी दवा चली तो थोड़ा ये फोन नंबर उनको सब बताने घर जाएंगे बोल नहीं पाते। कहाँ की है? मऊ से पकड़ी गई थी सर, इसका फोटो वोटो सब हम लोग निकला, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा सर। वो छोटे बच्चों को पढ़ाई लायक कुछ हो रहा है? हाँ सर, मैडम क्या पढ़ाती हैं? मैडम गेट पर है, चल के चेक करता हूँ, जरा ताला खुलवाइए तो उसको देखे, ताला खुलवाइए देखा जाए। उधर का ताला खुलवाइए, उधर वाला उस गेट पर ना हाइलाइटेड ये होगा कि बच्चे खराब हो गए, नालायक हो गए, पेरेंट्स को नहीं रखते हैं, उनका टेक केयर नहीं करते हैं, ये करते नहीं है। अगर पुरुष अंदर पाया गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जी सर, अभी यहाँ ही बना। जी कौन लड़ेगा मुझे? आप लड़ेंगे कि महिला कॉन्स्टेबल लड़ेगी? कोई नहीं लड़ पाएगा। अरे एक तो कम से कम धक्का करो, समय दिमाग खराब है, अभी कोई मार्ट हो जाएगा ना तो। आइए फिर भाई, अगला वाला कहाँ चलना है भाई? चलना सब पूरा बार है सर, पूरा बाईपास चलना है। आज का ये विशेष निरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है, संयुक्त रूप से मेरे और जिला अधिकारी महोदय के द्वारा करना है। यह विशेष निरीक्षण है जिसमें कुछ विशेष बातें वहां से कही गई हैं और इसकी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र माननीय उच्च न्यायालय को देना है।